हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं सोहेल नवाब एक नई वीडियो लेके आपके सामने आ गया। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ऐसे फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे फोकस में हमारे बीच में आते हैं और हमारे बीच में आके हमें डिस्टर्ब कर देते हैं अपने गोल से, अपने सपने से, जहाँ पर हम आगे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस फैक्टर को माइंड रखते हुए मैंने पूरा का पूरा प्लान बनाया। आप इस पर चलना और इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए लाइफ में जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। आपके फालतू वाले ड्रामे जो होते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा, ये आपके माइंड से हट जाए, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और अगर आपको चाहिए मोटिवेशनल भड़काऊ बयान, आपको कोई मोटिवेशनल गंदी वाली बहुत ही मोटिवेशनल वाली स्पीड चाहिए, तो आप जा सकते हो, कोई दूसरे ब्रांड पर विजिट कर सकते हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो सबसे बड़ी बात देखो, मेरे माइंड को समझने की कोशिश करना, ठीक है। आप मैं जो जा रहा हूँ वहाँ पे समझने की आप कोशिश करना। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर आप कुछ करना चाहते हो, जाना चाहते हो कहीं पे, देखो मान लो आपकी गर्लफ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई, आपके बॉयफ्रेंड से, आप जो भी हो, आप अपने अपने हिसाब से रिलेट करना, आपको बस उसको मनवाना है। आपको बस मान लो आपकी गलती भी नहीं है पर लेकिन वो रूठ गया आपसे, तो आपको उसको मनाना है। तो आप क्या करोगे, आपको बस मनाना है क्योंकि आपको प्यार है उससे। वो अगर गलती करके भी जा रहा है आपको बुरा कह के, तो बस आपको रोकना है उसे, ठीक है। मैं तो कहता हूँ सर मत रोको, बट फिर भी कहता हूँ कि आपका प्यार इतना है कि आपको रोकना है उसको, ठीक है। सबसे बड़ी बात देखो, आपको क्या फैक्टर्स का ख्याल रखना है इसमें। सबसे बड़ी बात फैक्टर आपको ये ख्याल रखना है कि आप हर हाल में उसको रोकोगे। आप उसके पैर पकड़ लोगे, आप उसे सॉरी बोलोगे यार, बिना मतलब के उसको सुनाते रहोगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तुम्हारे अलावा जी नहीं सकता, नस काट लूँ, रख काट लूँ, पता नहीं कितने ड्रामे चलते हैं इनके बीच में। तो देखो, तुम्हारी गलती नहीं होती लेकिन उस इंसान से तुम्हें प्यार है जो बेवफा है, ठीक है, जो जा रहा है तुम्हें छोड़ के, उससे तुम्हें प्यार है बहुत ज़्यादा। मेरी बात को अच्छे से रिलेट कर पाना, उससे प्यार है तुम्हें और तुम्हें उससे रोकना है। तुम्हें हर हाल में, तुम्हें वो रूठ के जा रहा है तुम्हारी गलती बता के, फिर भी तुम्हें रोकना है उसे। क्यों रोकना है मेरे भाई? क्योंकि प्यार करते हो ना उससे। क्या अगर तुम सच में सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो क्या तुम्हें प्यार नहीं है सक्सेस से? मतलब तुम्हें लगता नहीं है कि वो बेवफा इंसान से ज़्यादा रिजल्ट्स तुम्हें वो सक्सेस देगी? जब वो रिजल्ट्स देगी तो पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ पलट के देखेगी। तुम्हें नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें ट्राई करना चाहिए लाइफ में? हाँ, मैं ये कहता हूँ, तुम्हारा मेरे कहने का, तमाम बातों का मोटिवेशन का ये है लाइन कि देखो मेरे भाई, सीधी बात में मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अच्छे से इस बात को रिलेट करना खुद से। इसलिए क्योंकि लाइफ में अप डाउन्स आती है, इसका मतलब तुम जिंदा हो। बहुत ज़्यादा डाउन्स आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ फिर उठेगा लाइफ का। देखो, एक तुम कभी देखा होगा तुमने शेयर मार्केट, तो कभी ग्राफ नीचे ज़्यादा उथल मतल मच रही होती ना, ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा होता है ग्राफ, तो किसी भी इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो उसी तरह से कभी लाइफ में भी, लाइफ के ग्राफ में भी ऊपर नीचे होता है, तो कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ग्राफ ऑटोमेटिकली एक रूट ले लेगा अपना। तो मेरा कहने का मतलब एक है भाई कि तुम्हारे लाइफ को ऐसा रूट चाहिए, ऐसा तुम्हारे लाइफ को आगे बढ़ने के लिए वो चाहिए कि भाई पक्का तुम कर लोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे बातों का मोटिव ये है कि तुम कोई भी काम कर सकते हो। तुम यार झाड़ू मारो कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कहने वाला कोई नहीं है तुम्हें। तुम्हें देख के लोग हंसे, चिढ़ाए, गंदा कहे, बुरा कहे। तुम अगर पढ़ लिख के हो, अगर तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड खराब है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तुम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तुम्हारे घर पर कोई कमाता नहीं, तुम ही हो और बस तुम्हें सपनों के लिए रोका जा रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हें बुरा कहा जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें गालियाँ दी जा रही है, पढ़ लो, सह लो, क्योंकि भाई लाइफ में जब सक्सेस आएगी ना, सबके हाथ उठ जाएंगे, सब कहेंगे भाई तू सही था, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कोई भी काम हो शायद मत करना, फोकस बस अपने गोल पे रखना कि जब तुम कुछ कर लोगे तो दुनिया ना ऐसे नज़रें उठा के देखेगी तुम्हें। अगर नहीं करोगे ना, तुम वहीं रहोगे जहाँ पे आज हो। तो मेरी बात को माइंड करना और कोई भी काम से शर्म ना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ। एंड सक्सेस के लिए भाई पूरी स्ट्रगल डाल लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं।